कुछ फिल्में ऐसी होती हैं ना जो मतलब होती तो ऐसी हैं कि आप चाहते तो है कि आप रिकमेंड कर पाओ मूवी को, क्योंकि मूवी में अगर कुछ बुराई भी है तो कुछ अच्छाई भी है, लेकिन वो बुराई अच्छाई से इतनी ज़्यादा है ना कि वो एक तरीके से दब गई है, और उसी वजह से चाहकर भी मतलब ये फिल्म मैं आपको रिकमेंड नहीं कर पा रहा। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्या है वो वजह, चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मैंने मूवी देखी मैन। तो अगर मैं इस फिल्म की स्टोरी की बात करूँ तो यहाँ पर कहानी है हार्पर की, जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा तंग और परेशान है, और इसी वजह से वो वहाँ से निकलकर यानी कि शहर से निकलकर एक गांव में जाने का फैसला करती है। वहाँ पर वो बुकिंग वगैरह करती है, वहाँ पर वो पहुँच भी जाती है। जहाँ के नज़ारे, जहाँ का लोकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यहाँ तक कि घर भी। लेकिन कुछ वक्त बिताने के बाद उसके साथ अजीब अजीब घटनाएँ होने लगती हैं। वो उन जगहों पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिस वजह से वो परेशान हो जाती है, बहुत टेंशन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से उसकी जान अब खतरे में है। तो क्या वो वहाँ से बचकर भाग भी पाएगी या फिर नहीं, और आखिर वो सारी जो घटनाएँ हैं वो क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी, जो कि डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी करूँगा, क्यों करूँगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इस फिल्म की स्टोरी जो है देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसको इस मूवी में काफ़ी वेल तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो इस फिल्म को बढ़िया होते होते घटिया बना देती है, तो वो है इस फिल्म की शुरुआत। तो यहाँ पर इस फिल्म की जो शुरुआत है ना, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। ये फिल्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा थकाव पकाव है, इतना कि शायद आप इस फिल्म को बर्दाश्त ना कर पाओ। यानी कि शुरुआत के जो एक घंटा 40 मिनट की ये फिल्म है, लेकिन शुरुआत के जो एक घंटे वो एक तरीके से आपका टाइम वेस्ट करेंगे, मतलब एक तरीके से आपको ये फिल्म बेकार ही लगेगी, बकवास ही लगेगी। फिल्म में जो सीन सिचुएशन हमें देखने को मिलते हैं, जो भी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वो इतना कुछ मज़ेदार नहीं है। हॉरर थ्रिल का जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा बेकार और बकवास होगा, और ऊपर से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लगने लगती है कि हमें क्या देखने को मिल सकता है और क्या देखने को मिलेगा भी, और आपको सेम वही सारी चीज़ें इस मूवी में देखने को मिलते ही मिलती हैं, जिस वजह से ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। और उसी वजह से अगर आप में पेशेंस नहीं है, और अगर आप इस फिल्म को एक घंटा किसी भी तरीके से झेल गए, और अगर नहीं भी झेल पाए, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये फिल्म उस तरीके की ऑडियंस के लिए नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म के शुरुआत के जो एक घंटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा बकवास है, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला है, जिसको देखकर आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, और हो सकता है कि फिल्म देखते देखते आप 2-4 गालियाँ भी दे दो और बोलो कि यहाँ पर इस फिल्म को मैं क्यों देख रहा हूँ, क्यों झेल रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई मतलब इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं किसी और फिल्म को देखूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि इस फिल्म को झेलने के। तो शुरुआत के एक घंटे बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, बहुत ही ज़्यादा बकवास हैं। लेकिन अगर मैं उसको उल्टा यहाँ पर बोलना चाहूँ तो वो ये है कि एक घंटा बीतने के बाद जो एक्चुअल मूवी है ना, वो एक घंटे के बाद ही शुरू होती है। उसके बाद जो हॉरर थ्रिल का जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो एक नंबर है, गजब है। यानी शुरुआत के जो आपने एक घंटे पेशेंस के साथ अगर इस फिल्म को झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, किसी भी तरीके से सह लिया, उसके बाद जो ये फिल्म आपको एक्सपीरियंस देगी ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। उसके बाद जिस तरीके से हॉरर थ्रिल का एक्सपीरियंस मिलता है, जिस तरीके से जो स्टोरी आगे कंटिन्यू की गई ना, वो लाजवाब है, काफ़ी ज़्यादा गजब है। मतलब आप खुद बोलोगे कि यार यही तो मैं देखना चाहता था, इतने वक्त से जो मैं ज़बरदस्ती बेकार की नौटंकी वगैरह देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, उससे अच्छा यही हम लोग को दिखा देते हैं ना, तो मतलब अलग ही लेवल पर ये मूवी निकल कर आती। और शुरुआत के एक घंटे जो मैंने इस फिल्म को गालियाँ दी, अब मैं इसको वापस लेता हूँ, अब इस फिल्म ने मुझे एक तरीके से सेटिस्फैक्शन दे ही दिया है। तो फिल्म का जो आखिरी 40 मिनट है ना, वो गजब है, मतलब एक तरीके से आपका टाइम वसूल कर देगी ये फिल्म, जो आपने इस फिल्म को देखने में इन्वेस्ट किया होगा। सही में फिल्म के एंड के जो 40 मिनट ना, वो गजब है, एकदम नेक्स्ट लेवल है। जो हॉरर का जो थ्रिल का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो गजब, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ही है ना। क्योंकि जब मैंने मूवी देखना शुरू किया था, मैंने खुद मतलब सोचा नहीं था कि कुछ हमको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, और ये मूवी कहाँ बेकार और घटिया लगने वाली फिल्म इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतनी ज़्यादा गजब की, एकदम सरप्राइजिंग हो जाएगी, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो ये उस लेवल की मूवी निकल कर आई, और सच में फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और उसी वजह से अगर आप में पेशेंस है, अगर पेशेंस लेकर एक घंटा 40 मिनट की फिल्म में एक घंटा को आप जैसे तैसे करके अगर झेल सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, तो उसके बाद का जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, वो गजब ही होगा। ये फिल्म आपको अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस देगी, वो भी तब जब आपको हॉरर थ्रिलर फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो तो। हालांकि इस फिल्म में थोड़े नंगे पुंगे कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब
दूसरे तरह का यहाँ पर सीन सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो उसी वजह से इस फिल्म को आप फैमिली के साथ बैठकर तो नहीं देख पाओगे, तो उसी वजह से फिल्म को आप दोस्तों के साथ या फिर अकेले ही बैठकर एंजॉय कर सकते हो। बाकी फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है। और बाकी ये फिल्म किस तरीके की ऑडियंस के लिए है, किस तरीके की ऑडियंस के लिए नहीं है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने इस फिल्म को देख लिया या फिर झेल लिया तो कैसा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में, मेरे साथ आप कमेंट में शेयर जरूर करना। जोहार।